आप तो नए जमाने के बाबा हैं, लेकिन कुंभ में भी बहुत बदलाव आया है। जब हम बचपन में सुना करते थे तो कुंभ का जो स्नान था वो बड़ा कठिन माना जाता था सर्दियों में, जिस तरह से होती थी, टेंट की व्यवस्था होती थी, बहुत कम व्यवस्था होती थी, लोग आते थे। अब तो पूरा योगी जी के, जो महर्षि भरद्वाज ने भी नहीं सोचा होगा जो योगी जी ने किया है इंतजाम, यहाँ पर बहुत 5-स्टार टेंट है, 7-स्टार टेंट है, सुविधाएं हैं, गाड़ियां हैं। आप कैसे समझते हैं इसको? मेरा सिर्फ इस पे ये कहना है कि कुंभ का जो पूरा प्रयोजन था, वो किस वजह से कुंभ आयोजित किया गया था, हम रोजमर्रा की जिंदगी में रोज कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो कंफर्ट जोन छोड़ करके, और जो भारत की जो 4 आश्रम की व्यवस्था थी भारतीय दर्शन में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो संन्यास में हमको गृहस्थ के बाद जाना है, तो इसलिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था कि हम वानप्रस्थ की तरह यहाँ पर रहे हैं, प्रैक्टिस करें और संसाधन के बिना जिंदगी जीने का एक अनुभव लें। तो ये जो पूरा वैभव दिख रहा है, ऐश्वर्य दिख रहा है, कंफर्ट जोन दिख रहा है इस समय जो कुंभ में, ठीक है वो कंफर्ट जोन में रहने वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन सबको इसके साथ इसमें नहीं आना है। जो सच में स्पिरिचुअल सीकर हैं, साधक हैं, उनको जो है इस प्रलोभन में नहीं फंसना, नहीं तो घर में और कुंभ में आने का कोई अलग फर्क नहीं नजर आएगा आपको, कहीं कोई फायदा नहीं होगा, आप जैसे घर में थे वैसे यहाँ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। डिजिटल बाबा कह रहे हैं कि संसाधन से थोड़ा सा दूर रह के कुंभ की महिमा को समझिए, लेकिन संसाधन के साथ भी संस्कृति बची है, ये भी बहुत खूब है। हमारी वोट यात्रा जारी रहेगी मेरी सहयोगी प्रतिभा ज्योति के साथ। Thank you.